जो चाल तूने मेरे साथ चली थी वो अब दोबारा चल रहा है। रश्मि ने सेमीफाइनल्स जीता है, फिर उसका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? सितंबर 1996 ओलंपिक सिलेक्शन हिसार, तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया था, याद है? 14 अगस्त 2001 नेशनल मीट चंडीगढ़, प्रेस के सामने तुमने कहा मुझे बॉक्सिंग आती ही नहीं। 28 जनवरी, ये सब पुरानी बातें हैं देव, इन सब बातों को लेकर उसकी जिंदगी खराब मत कर। घाव तो ठीक हो गया आदि, पर उसके जख्म अब तक यहां है। मैं तुम्हें एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं, कल के डोप टेस्ट में रश्मि फेल होने वाली है। इसके बाद तुम्हारी बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। तेरी दुश्मनी मुझसे, बदला उससे क्यों ले रहा है? वो इसलिए क्योंकि वो फेल होगी तो आदि भी फेल होगा। क्या हुआ, फिर से थप्पड़ मारेगा? प्लीज देव, वो बहुत अच्छी बॉक्सर है, उस पर अपनी खुन्नस मत निकाल। कहां तू और तेरी पावर, और कहां वो और उनकी हैसियत? वो गरीब लोग हैं देव, ये बात मेरी और तेरी नहीं है, ये बात है देश में वुमेन्स बॉक्सिंग की। ये बात तेरी और मेरी ही है आदि, बॉक्सिंग मेरी जान है, तो इससे जुड़ा सारा मान सम्मान भी मुझे ही चाहिए। तुम वो मुझसे छीन लो ये मैं होने नहीं दूंगा। बहुत नफरत करता हूं मैं तुमसे, अब मेरा टाइम बर्बाद मत करो, जाओ यहां से। रश्मि को फाइनल्स में शामिल करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा? देव बोलो, इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? तुमसे पूछ रहा हूं। रिजाइन कर दो। अब उसे रोकना मत। आदि, यहां आईडी वापस करो। आज से तुम कोच नहीं हो। अगर फेडरेशन के आसपास भी गए, या स्टेडियम के आसपास, या उससे मिलने की भी कोशिश की, तो मैं उसे डिस्क्वालिफाई कर दूंगा। समझ गए ना? आदि, अपना सारा गुस्सा छोड़ के तुम मेरे सामने झुक गए, क्या वो इतनी मजेदार है? इस देश में जो टैलेंट छुपा है उसकी कीमत तू क्या समझेगा? देश को मेडल दिलाने के लिए मैं किसी के भी पैरों पर नाक रगड़ने को तैयार हूं, लेकिन ये सब तेरी समझ से परे है, क्योंकि तेरी रग रग में बेईमानी भरी हुई है। शर्म आनी चाहिए तुझे देव, इन हाथों में आज भी उतनी ही ताकत है, आजमा के देख लेना। यहां क्यों बैठी हो? चलो आओ, आओ, आओ। आदि सर कहां है? लाओ वो मुझे दो। सर क्यों नहीं? तुम वहां जाके बैठो। एक्सक्यूज मी, गिव इट टू मी, आई विल गिव इट बैक टू यू। इधर आओ। सर कहां है? यहां खड़े हो जाओ। पहले बताओ सर कहां है? तुम्हारे मास्टर ने रिजाइन कर दिया है, अब देव सर ही तुम्हारे कोच है, समझी? मास्टर नहीं आएगा। सब्जी बेचकर इधर उधर घूमकर मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश थी। तुमने मुझे पैसे भी दिए और ट्रेनिंग भी, और मेरा फोकस ही बदल दिया। अब मुझे यहां तक पहुंचा के मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? हाँ, ये मेरा सबसे जरूरी मैच है सर। हाँ,
आप बहुत बुद्धिमान हैं सर, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, लेकिन मेरा दिमाग नहीं समझ पा रहा। क्या बात है बताओ मुझे प्लीज, क्या मुझसे फिर से कोई गलती हुई है सर? बोलिए ना सर, मुझे बताइए सर, बताइए बताइए, क्या बात है, क्या बात है? रश्मि मेरी बात सुनो, एक घंटे पहले जब मैंने रिजाइन किया तो मुझे तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि बॉक्सिंग मेरी भी जिंदगी है, तुम इस तरह मुझे मायूस नहीं कर सकती। जाओ इस गुस्से को रिंग में दिखाओ। रश्मि अपने अंदर के योद्धा को पहचानो जिसे मैंने देखा। तुम्हें लड़ना होगा करोड़ों देशवासियों के लिए जो भारत की बेटी को जीतते हुए देखना चाहते हैं। लड़ना होगा तुम्हें, जाओ जाओ। ठीक है सर, मैं जरूर लड़ूंगी। पर एक बात कहना चाहती हूँ, अपनी जान से भी प्यारी बॉक्सिंग को आपने मेरे लिए यूं ही छोड़ दिया और अकेले हो गए, ये प्यार नहीं है तो और क्या है सर? कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंच पाएगा। मुझे हंसी आती थी अगर कोई इंडिया के वर्ल्ड कप में जाने की बात करता था, लेकिन आज वही बातें सच हो चुकी है, क्योंकि हमारे युवा खिलाड़ी रश्मि ने हमारा सपना सच कर दिया है। और हमारे सामने है रशियन डिफेंडिंग चैंपियन नतालिया राइकर, जिसे हारना नहीं आता। वो 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी है और हाल ही में हुए मैच को कोई भूल नहीं पाया होगा जब नतालिया ने रश्मि को 8 सेकंड में नॉकआउट किया था। रशियंस कमाल के गेम प्लानर होते हैं। नतालिया पहले हेवी वेट कैटेगरी से थी, लेकिन उन्होंने अपना वजन कम किया ताकि वो लाइट वेट कैटेगरी से खेल सके। विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइनल, ये है लाइट वेट कैटेगरी। रेड कॉर्नर में है भारत की तरफ से रश्मि और ब्लू कॉर्नर में रशिया की तरफ से खेल रही है नतालिया। फर्स्ट राउंड बॉक्स। व्हाट अ पावरफुल हुक। रश्मि का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई। कोई बात नहीं सर, मुझे पूरा विश्वास है हमारी रश्मि ही जीतेगी, उसे कोई नहीं हरा सकता। सर उसके पास पावर है, स्टाइल है, सब कुछ है, पर पता नहीं आज क्या हो गया है उसे। नतालिया पॉइंट स्कोर कर रही है रश्मि का हर डिफेंस तोड़कर। ये मैच नहीं, बिल्कुल मिसमैच है। मत करिए, आप जाइए सर, वो आपकी स्टूडेंट है, आप उस देव की खटिया धमकी से डर नहीं सकते। सारी लड़कियां आपकी उस भागी हुई पत्नी की तरह नहीं होती है, आप इन्हें समझाइए ना। सॉरी हम तो मिले ही नहीं, मैं हूँ पॉन्ट्स, पंच पॉन्ट्स, वाइजाग में जूनियर कोच था। और आप जिस लड़की की बात कर रहे हो उसे मैंने ही गोद लिया है। रश्मि पे नतालिया ने पंचेस की बौछार कर दी है। नतालिया काफी अच्छी खेल रही है। ओह ये तो बहुत ही अच्छा हुक था। ऊपर वाले का शुक्र है रश्मि आज बेल बजने। तुम उसके करीब क्यों नहीं जा रही, ज्यादा अटैक करो, कुछ समझी कि नहीं? आदि सर आए क्या? नहीं वो नहीं आएगा। तुम बिल्कुल सही खेल रहे हो, अपना गेम चेंज मत करना। नतालिया 7 अंकों से अभी भी लीड कर रही है। रश्मि के लिए मैच हाथों से निकलता जा रहा है। रश्मि नतालिया से लड़ नहीं पा रही है और उनका कोई स्कोर भी नहीं है। देखते आगे क्या होता है। जिता देना, जिता देना उसे। हे भगवान, हे भगवान, जिता देना मेरी बेटी को, मेरी बेटी को जिता देना, मेरी बेटी को जिता देना, भगवान मेरी बेटी को जिता देना। सेकंड राउंड, सेकंड राउंड।